हेलो गाइस, मैं मुसीबल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांधरा। इस वीडियो बताऊंगा, बहुत सारे भाई ने कमेंट कर रहे हैं 10 डेज का मैकेनिज्म बुकिंग करके कातर में जाने के बाद 2 डेज मैकेनिज्म में रहने के बाद ही उन लोग को वो छोड़ दे रहे हैं। उन लोग को जो क्वारंट खत्म हो रहा है, उन लोग को कंपनी में जा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। बाकी जो 8 दिन का जो होटल क्वारंट का जो पैसा है करेगा कि नहीं करेगा, बहुत सारे भाई ने इस तरह से कॉमेंट किया है और इस तरह से हो रहे हैं। तो पहले से अगर 2 डेज का बुकिंग करेंगे तो कातर में जा सकते, तो बहुत सारे भाई ने इस ऐसा कमेंट किया है। देखिए भाई, आज सिर्फ 2 डेज उन लोग को क्वारंट होगा जिन लोग का सिर्फ कातर में वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट करके 14 दिन पार करने के बाद अगर फिर घर आएंगे, घर आने के बाद फिर कातर में जाएंगे, तो उन लोग के लिए 2 डेज क्वारंट होगा। और जिस भाई का कातर में ही कोरोना वायरस हुआ था, उस कातर में रिकवर होके घर आया है, फिर कातर में जाएंगे, तो उन लोग के लिए 2 डेज क्वारंट हो रहा है। बाकी A6 कंट्री से जाएंगे तो आपको 10 डेज आपको क्वारंट में रहना पड़ेगा। बहुत सारे भाई के इस तरह से हो रहा है, 10 डेज का मैकेनिज्म बुकिंग कर रहे हैं, कातर में जा रहे हैं, कातर में जाने के बाद 2 डेज सिर्फ मैकेनिज्म हो रहा है, उसके बाद उन लोग को छूट मिल रहा है, उन लोग को छुट्टी मिल रहा है, सिर्फ 2 डेज ही उन लोग को रहना पड़ रहा है। बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट भी किया है। तो उन लोग को जो 8 दिन का जो क्वारंट का 8 दिन का जो क्वारंट का मैकेनिक का जो बुकिंग का जो रुपया है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8 डेज का क्वारंट का बुकिंग का आपको पैसा मिल जाएगा। आपका जो कोरोना वायरस टेस्ट करने के बाद अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो आपको छोड़ दे रहे हैं, तो छोड़ने के बाद बाकी 8 डेज का जो आपको पैसे आपको मिल जाएगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे भाई ने इस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं, तो कातर में अगर 2 डेज का बुकिंग करके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए, इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो जाने बहुत रिस्क हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कातर में 10 डेज का बुकिंग हो रहा है। अगर आपका कातर में जो अगर वैक्सीन नहीं लिया है, कातर में अगर रिकवरी नहीं हुआ है, कोरोना वायरस का रिकवरी नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन का क्वारंट हो रहा है। अगर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल और फिलीपींस से जाए तो आपको 10 डेज रहना पड़ेगा। तो 10 डेज बुकिंग नहीं करके जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। और बहुत सारे भाई का इस तरह से 2 डेज हो रहा है, इसलिए बहुत सारे भाई ने कमेंट करे सिर्फ 2 डेज बुकिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जब 2 डेज आप बुकिंग करेंगे तो आपको बहुत रिस्क हो जाएगा, इसलिए आपको 10 डेज बुकिंग करना चाहिए। उसके बाद अगर 10 डेज के बाद छोड़ देगा तो और भी अच्छा है, आपको 10 डेज नहीं रहना पड़ेगा, जल्दी कंपनी में जाके काम भी कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और बाकी जो 8 डेज का पैसा भी आप वापस भी मिल जाएगा, लेने का जरूरत नहीं है, आपका पैसा भी मिल जाएगा। और आपको बुकिंग ऐसा 2 डेज करके जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि 2 डेज बुकिंग करके जाएंगे अगर रिस्क हो जाएगा, अगर आपको नेगेटिव नहीं निकला तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग का जो क्वारंट हो रहा है 10 डेज का, 10 डेज का बुकिंग करके जाए तो अगर जाने के बाद 2 डेज रहना पड़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका लिए और भी अच्छा है, क्योंकि 2 डेज रहने के बाद ही आपको छूट मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को होटल क्वारंट के बारे में आप लोग फुल्ली जानकारी मिल गया है। वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।